हूँ योगिता, वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। पैरों में बेचैनी का कारण हो सकती है शरीर में विटामिन की कमी। चलिए आज जानते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से पैरों में बेचैनी होती है। वैसे तो पैरों में बेचैनी के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोगों को ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के कारण हो सकता है। इसके अलावा कई बार डायबिटीज़ और मानसिक बीमारियों के कारण भी लोगों को पैरों में बेचैनी होती है। लेकिन एक नई स्टडी में पता चला है कि विटामिन की कमी से भी पैरों में बेचैनी का कारण बन सकता है। जब शरीर में कुछ खास विटामिन की कमी होती है तो इसका असर कमजोरी और मसल्स क्रैम्प्स के रूप में होता है। इस वजह से पैरों में लगातार बेचैनी महसूस होती है। ऐसे में आपको इस परेशानी से बचने के लिए जानना चाहिए कि आपको किन फूड्स का सेवन करना चाहिए। विटामिन बी ट्वेल्व ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को कम करता है और पैरों में होने वाली बेचैनी को आराम दिलाता है। आप विटामिन बी को मूंगफली, बीन्स, दाल और पालक जैसी चीज़ों को खाकर पा सकते हैं। विटामिन सी की कमी। विटामिन सी का हमारे शरीर में कई काम है। विटामिन सी वास्तव में आयरन को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है और आयरन की कमी को दूर करते ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। इसलिए आपको विटामिन सी से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए, जैसे खट्टे फल, संतरे, मिर्च, आलू, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली, ब्रसल स्प्राउट। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है जो आपके पूरे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। अन्य विटामिन के विपरीत विटामिन डी एक हार्मोन की तरह कार्य करता है। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपके पैरों में बेचैनी हो सकती है। ऐसे में आपको फैटी फिश, अंडे की जर्दी, मोटा अनाज और दही खाना चाहिए। विटामिन ई ब्लड वेसल्स के स्वास्थ्य और धमनियों के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आपके ब्लड वेसल्स हेल्दी नहीं होते, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित रहता है। इससे आपके पैरों में बेचैनी होती रहती है। इसके लिए आप इन फूड्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि कद्दू और सूरजमुखी के बीज, बादाम और मूंगफली, पीनट बटर, चुकंदर का साग, पालक, लाल शिमला मिर्च। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।